लोगों को आप सुनने के लिए बैठे हैं। बड़ी अच्छी समात है आपकी, मुझे लगता नहीं है कि पहला मुशायरा है। हाल ही में हमने फैजाबाद में मुशायरा पढ़ा जो 2:30-3 बजे तक बिल्कुल समाप्त हो गया था, लेकिन आप लोगों की मौजूदगी बता रही है कि आप बहुत अच्छा सुनना चाहते हैं, और उन लोगों को सुनना चाहते हैं कि जिनके लिए आप 40-40 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। उन हजरात से पहले दो नाम मेरी फहरिस्त के और हैं हजरात, जिन्हें मैं नहीं काटना चाहता और ना ही मैं काटने की जसारत करूंगा। एजाज अंसारी साहब, उनको पेश करना मेरे लिए बाइस सादत है, क्योंकि उनकी निजामत में अहमद फराज साहब ने पढ़ा है। आज मैं अपने आप को बाइस फख्र महसूस करता हूं कि मैं एजाज अंसारी साहब को गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और सामीन के रूबरू हूं। थोड़ी देर बैठ जाइए बलाए मेहरबानी। बस दो ही नाम है, एक और नाम है बेटे, आप बैठ जाइए, आपके सब्र की इंतहा है। तीन बहुत ही अहम नाम बाकी हैं, जनाब अजीज रब्बानी साहब, मोहतरमा शबीना आदिब और जौहर कानपुरी साहब। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हाँ भाई बेटे, बैठ जाएंगे। माहौल खराब ना कीजिए। देखिए शेर इस तरह से है, अच्छा, मेरी आंखों में नहीं दिल में उतर कर देखो, मेरी आंखों में नहीं दिल में उतर कर देखो, रास्ता खुद ही बता देगा कहां जाना है, रास्ता खुद ही बता देगा कहां जाना है। देखिए जो लोग हीरे तलाश करते हैं उनकी उम्रें बीत जाती हैं और हीरा नहीं मिल पाता। शेर सुन लीजिए कि हीरे तलाश करने में सदियां गुजार दी, पत्थर का कारोबार भी कितना अजीब है, और हालात कह रहे हैं जमाने के साथ चल, आसार कह रहे हैं कयामत करीब है, आसार कह रहे हैं कयामत करीब है। और यही से दो तीन शेर और सुन लीजिए, फिर गजल पेश करके अपनी जगह ले लूंगा, 5-6 शेर सुनाऊंगा गजल के, कि इतनी जगह तो मिल गई ईमान के लिए। जोर भाई, जी जी भाई, इतनी जगह तो मिल गई ईमान के लिए, घर में भी एक ताक है कुरान के लिए, घर में भी एक ताक है कुरान के लिए, और हस्बो नसब में कोई फजीलत नहीं मियां, किरदार पहली शर्त है इंसान के लिए। वाह 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 वाह। हस्बो नसब में कोई फजीलत नहीं मियां, किरदार पहली शर्त है इंसान के लिए, और मेरे कलम की जुरत इजहार देखिए, इनकार फिर से लिख दिया सुल्तान के लिए। ओके। मेरे कलम की जुरत इजहार देखिए, इनकार फिर से लिख दिया सुल्तान के लिए। और आखिर में गजल के 5 शेर पेश कर रहा हूं और फिर अपनी जगह लूंगा। देखिए मतला इस तरह से है कि वैसे तो बच्चे सभी ख्वाब में डर जाते हैं, वैसे तो बच्चे सभी ख्वाब में डर जाते हैं, लेकिन इल्जाम अंधेरों ही के सर जाते हैं। वाह वाह वाह। कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, काफले यादों के आते हैं गुजर जाते हैं। वाह वाह वाह। और दोस्तों शेर अब आ रहा है, देखिए बहुत जज्बाती शेर है, पसंद आए तो दाद दीजिएगा, कि काफले यादों के आते हैं गुजर जाते हैं अजीज भाई, इससे पहले के हमें बोझ समझ ले बच्चे, इससे पहले। जज्बाती शेर है, जब मैंने ये कहा और अपनी बीवी को सुनाया तो मेरी आंखों में खुद आंसू थे, कि काफले यादों के आते हैं गुजर जाते हैं, इससे पहले के हमें बोझ समझ ले बच्चे, गैरत नफ्स ये कहती है कि मर जाते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले वाह वाह वाह, इससे पहले बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बोझ समझ ले बच्चे, गैरत नफ्स ये कहती है कि मर जाते हैं। और दोस्तों एक लफ्ज आएगा उस पे दाद चाहूंगा, लोबान का इस्तेमाल। क्या बात है, वाह वाह। गैरत नफ्स ये कहती है कि मर जाते हैं। शेर देखिए कि जब से देखे हैं
نے سلگتے منظر, شعر دیکھیے کہ جب سے دیکھے ہیں ان آنکھوں نے سلگتے منظر, گھر میں لوبان سلگتا ہے تو ڈر جاتے ہیں, گھر میں لوبان سلگتا ہے تو ڈر جاتے ہیں, جب سے دیکھے ہیں ان آنکھوں نے سلگتے, گھر میں لوبان سلگتا ہے تو ڈر جاتے ہیں, اور کہہ رہی ہے میری آوارگی مجھ سے اعجاز, کہہ رہی ہے میری آوارگی, کہہ رہی ہے میری آوارگی مجھ سے اعجاز, جن کے گھر ہوتے ہیں وہ لوگ ہی گھر جاتے ہیں. واہ 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 واہ.